आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना बहुत ही स्मॉलेस्ट फाइलम, फाइलम टीनोफोरा। कौन सा फाइलम? टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा फाइलम ऐसा फाइलम है जिसमें सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मैराइन होते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आइए एक एक लाइन डिस्कस करते हैं। देखिए टीनोफोरा को हम सी वॉलनट के नाम से जानते हैं और कम्ब जेलीज के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी मैराइन है, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी और सबसे खास बात ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके पास इक्टो और इंडोडर्म है, मेजोडर्म अब्सेंट है, मेजोडर्म के जगह पे मेजोगिलिया है, मेजोहाइल पाया जाता है। अब बात करेंगे इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और इनमें 8 एक्सटर्नल कम्ब प्लेट पाए जाते हैं। कितने एक्सटर्नल कम्ब प्लेट? फुटबॉल लाइक, जैसे फुटबॉल पे बना होता है प्लेट, उसी तरीके से। और इनके पास टेंटिकल भी पाए जाएंगे, 2 टेंटिकल जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वो टेंटिकल कैसे होते हैं? सीलेटेड होते हैं। देखिए डाइजेशन इनमें कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर। इस फाइलम की खास बात, इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, यानी कि इनमें जो है इनमें लाइट इमिट करने की कैपेसिटी होती है, लाइट जनरेट करते हैं। ये जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? टीनोफोरा के। और इनमें सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं होता, यानी कि ये भी मोनोइसियस ही होते हैं, इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होता। और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि इनके पास भी क्या मिलेंगे? इनके पास लार्वा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लार्वा पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए प्लूरोब्रेंकिया, ठीक है, टीनोप्लेना। क्या क्या है? प्लूरोब्रेंकिया टीनोप्लेना।